नमस्कार प्रज्ञा मैम, अनकवरिंग इंडिया के इस वार्तालाप में आपका हार्दिक स्वागत है। पहले शुरू करने से पहले आपको और आपके सहयोगों को बहुत हार्दिक मुबारकबाद, टीम एनआईवी को हार्दिक मुबारकबाद। जिस तरीके से आप लोगों ने ये कोरोना वायरस, नोवेल कोरोना वायरस पर जिस तरीके से आप लोगों ने खोज किया, जिस तरीके से वैक्सीन निकाला, तो ये बहुत ही कमेंडेबल, बहुत ही प्रशंसनीय है। क्योंकि 1 साल पहले तक हमारे पास इस बीमारी को लेकर कुछ खबर नहीं थी, बहुत सारा खौफ था। आज बहुत सारा हमारे बीच में एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एक आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारे पास आज वैक्सीन है। तो इसके श्रेय तो पूरा आप लोगों के, आप साइंटिस्ट लोगों को जाता है। तो इसके बारे में आप क्या सोचती हैं, ये 1 साल में जो कुछ भी हुआ उसको आप कैसे देखती हैं? नमस्कार शाश्वत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें बुलाया आपके इस चैनल पे बात करने के लिए। ये हमारे लिए ही नहीं बल्कि आई थिंक भारतीय साइंस के लिए, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के लिए और नेशन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी सभी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि इतने कम समय में हम लोग फर्स्ट केस डिटेक्शन से लेकर के एक खुद की अपने देश में अपने अपनी टेक्नोलॉजी के बूते पर बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय सहायता के हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए कि हमने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई और उसको जो भी रिसर्च के जो मायने हैं या जो उसके मापदंड हैं उनके एक-एक स्टेप्स को बहुत ही मेडिकुलसली फॉलो किया, हर तरह के अप्रूवल्स लिए गए और हम उन सभी स्टडी के जो डिफरेंट हिस्से हैं उनको हमने इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल्स के हाई इंपैक्ट जर्नल्स में पब्लिश किया। और कंटिन्यूअसली जैसे जैसे चैलेंज आ रहे हैं या जो वैक्सीन पे सवाल उठ रहे हैं हम उनको उनके जवाब भी दे रहे हैं। तो हमने हमारी टीम ने और आईसीएमआर ने मिल करके एक नया एग्जाम्पल सेट किया है। बहुत सारे लोगों के मन में बार बार सवाल आता है कि इस तरह के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो बनाए गए हैं उनका क्या उपयोग है, लेकिन पहली बार हमने इस क्राइसिस के टाइम पे जब सारी मानव जाति के ऊपर ही खतरा बढ़ा रहा था, लोगों के मन में इतना फियर हो गया था और हमारी इकोनॉमी, हमारे बच्चे, सभी लोगों का जीवन बहुत ही ज्यादा अफेक्टेड हो गया था। उस समय में हमारी टीम, एनआईवी की टीम है, आईसीएमआर के जो हमारे लीडरशिप है, सभी लोगों ने मिलके बहुत ही अथक प्रयास किया कॉन्टिन्यूसली कि हम कुछ ऐसा कर सके जिससे हमारे देश के लोगों को भरोसा हो कि हम उनके साथ खड़े हैं और जो हमारा इंडियन साइंस है वो कुछ करके दिखा सकता है। और ये अपने आप में एक अचीवमेंट है कि विद 8 महीने के अंदर हमने सारी स्टडी कंप्लीट कर ली, क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट कर लिया, हम फेज 3 ट्रायल में अभी इस समय चल रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट ने नियम के हिसाब से सारी चीजों को जांच परख करने के बाद इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दिया है। और उसके बेस पर 16 जनवरी को हमारे देश में मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है और वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ये वैक्सीन बहुत सारे और देशों में भी प्रोवाइड कर रही है जो हमारे आस पड़ोस के देश हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और ये हमारे देश की भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि का हिस्सा होने के नाते और इस वैक्सीन की जो टीम है एनआईवी को उसको लीड करने के नाते मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता है। आप ये पूरी टीम को आप जब लीड कर रही थी, चाहे वो शुरू में सैंपल टेस्टिंग से लेके आपके वैक्सीन के डिस्कवरी तक, ये जर्नी थोड़ा हमको ये जो आपने ये जो रास्ता तय किया है इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए कि जब शुरुआत हुआ तब आपके पास किस तरीके का आपके पास इंफॉर्मेशन था, जब आगे बढ़ते गए आप क्या महसूस करते गए और क्या क्या रास्ते में अड़चनें आईं और वो सब आप लोगों ने किस तरीके से वो अड़चनों को आप लोगों ने आगे बढ़ के आप लोगों ने सामना किया और आज हम लोगों को एक वैक्सीन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो आपने पूरा ये जो रास्ता तय किया है ये बताइए कैसा रहा ये पूरा जर्नी आप लोगों का?
तो शाश्वत जी, आपको ध्यान होगा कि दिसंबर के लास्ट वीक में जब चाइना ने डिक्लेयर किया उनके यहाँ एक अननोन डिजीज स्प्रेड हो रही है और जिससे लोगों की डेथ हो रही है, उसी समय क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट में इपिडेमोलॉजी की जो टीम है वो अलर्ट पे आ गई, उन्होंने तुरंत ही उनके केस शीट फॉर्म सभी कुछ बनाए और एक कोविड की टीम बनाई हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर पी आई अब्राहम ने, और हमने डे बाई डे डिस्कशन स्टार्ट करना शुरू कर दिया। शुरू में सबसे पहले जो जिम्मेदारी थी कि हमें डायग्नोसिस हमारे हाथ में होना चाहिए जिससे जब भी कोई सस्पेक्टेड केस हमारे देश में आएगा हम उसको डिटेक्ट कर सकें, उसके लिए जो हमारा नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर है उसकी जो लीड है वो डॉक्टर वर्षा पुद्दार और मैं BSL-4 की इंचार्ज, हम दोनों लोगों ने मिलकर इसको डिस्कस किया हमारे डायरेक्टर के साथ और हमने बहुत ही जल्दी से डायग्नोस्टिक का प्रोविजन NIV में कर लिया और तुरंत हमारे हेडक्वार्टर में हमारे जो सेक्रेटरी DHR और डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर बलराम भार्गव सर है उनको बताया गया कि हम लोग टेस्टिंग करने के लिए रेडी हैं। तुरंत ही ICMR से जो वायरोलॉजी की हेड है डॉक्टर निवेदिता गुप्ता उन्होंने जो हमारी VRDL की एक नेटवर्किंग है कंट्री में उन सभी लेबोरेटरी को NIV के साथ कनेक्ट कर दिया और दिन ब दिन हम लोगों का एक ऑनलाइन ट्रेनिंग शुरू हो गया जिससे कि जैसे ही हमें जरूरत पड़े इन लेबोरेटरीज को एक्टिवेट किया जा सके और सैंपल्स की टेस्टिंग स्टार्ट की जा सके। ये सारी चीजें साइमल्टेनियस हो रही थी क्योंकि किसी को भी शुरू में अंदाज नहीं था कि ये आउटब्रेक थोड़े दिन चलने वाला है या बहुत दिन चलने वाला है, लेकिन जैसे जैसे केसेस फैलने लगे बहुत सारे देशों में इससे अंदाज सभी को लग गया था कि सिचुएशन खराब हो सकती है और पैंडेमिक की सिचुएशन भी आ सकती है, ऐसी शंका सभी के मन में धीरे धीरे महसूस होने लगी क्योंकि हमने पास्ट में भी बहुत सारे आउटब्रेक्स हैंडल किए हैं, उन पर काम किया है, जैसे कि 2018-19 में हमारी टीम ने और NIV ने और ICMR हेडक्वार्टर ने लीडरशिप लेकर के दीपा आउटब्रेक को बड़े पैमाने पर हैंडल किया, केस मैनेजमेंट में सेंटर को सपोर्ट किया, तो हमें उसका एक अंदाज तो था ही कि अगर इस तरह की कोई डिजीज आ रही है तो उसके लिए बहुत ही पैमाने पर तैयारी करनी पड़ेगी। एक महीने के अंदर ही हमारे यहाँ बहुत सारे लेबोरेटरीज ट्रेन हो गए थे और नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर और हेडक्वार्टर ने मिल करके सारे लेबोरेटरीज को डे बाई डे उनको मॉनिटर कर रहे थे, साथ में NIV फुल्ली डायग्नोसिस भी प्रोवाइड कर रही थी। शुरू के फेज में जो मेरी लैब है उन्होंने हम लोगों ने जैसे ही हमारा फर्स्ट केस डिटेक्ट हुआ दोनों लेबोरेटरीज में इन्फ्लुएंजा सेंटर में और हमारी लेबोरेटरी में टेस्ट हुए, रातों रात हम लोगों ने इसका कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस किया, वायरस को कंफर्म किया और हमें ये पता चल गया कि ये वायरस हमारे देश पे प्रवेश कर चुका था और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अलर्ट था कि अब हमें बहुत ही हाई लेवल की रिसर्च के बारे में आगे सोचने की जरूरत है। बट जैसा कि आप जानते हैं कि वायरोलॉजी की फील्ड में यदि आपको कोई भी काम करना है तो सबसे पहले आपके पास वो वायरस होना चाहिए जिस डिजीज के लिए आप लड़ने वाले हैं, तो हमारी टीम तुरंत ही डायग्नोसिस के काम से बाहर आ गई और हम लोग रिसर्च मोड में चले गए। मेरे साथ हमारे एक और सहभागी हैं डॉक्टर गजानन सपकार, उनकी टीम और हमारी टीम दोनों ने कॉन्टिन्यूसली उसके साथ हमारे एनिमल जो साइंस डिपार्टमेंट है उनके जो हेड है, इस तरह से हम लोगों ने एक टीम बनाई, एक बड़ी टीम बनाई जिसमें काफ़ी सारे लोगों को हमने पूल किया और बहुत सारे डिपार्टमेंट से हमने उनके स्टाफ जो ट्रेन थे कंटेनमेंट फैसिलिटी में काम करने के लिए उनसे हमारी टीम ने उनको मर्ज कर लिया और उनकी ट्रेनिंग शुरू कर दी, क्योंकि शुरू में सभी को पता नहीं था कि हम इसको किस रिस्क ग्रुप कैटेगरी में रखेंगे, तो सभी को कंटेनमेंट फैसिलिटी में काम करने की साइमल्टेनियस ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी गई और साथ में हमने हमारे रिसर्च प्रोग्राम को कैसे आगे लेके जाए, अगर ये नया वायरस है तो इसमें हम क्या क्या स्टडी हमें करना चाहिए उसकी प्रारंभ भी शुरू कर दी। इन सारे कामों में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट काम था वायरोलॉजी की फील्ड में कि आपको ह्यूमन सैंपल से वायरस आइसोलेशन करना है। वायरस आइसोलेशन करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनको हम एनिमल मॉडल में डाल करके आइसोलेट कर सकते हैं या हम उसको सेल कल्चर जो कि डिफरेंट तरह के वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट सेल कल्चर्स होते हैं उनमें उनको इनोकुलेट करते हैं और उनको वायरस को जब वो एक दिखाने लगते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट तब हम उनको हार्वेस्ट करके और उनको कैरेक्टराइज करके देखते हैं कि हमें राइट वायरस मिला है कि नहीं मिला।
क्योंकि जब हम कोई ह्यूमन सैंपल लेते हैं उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सेम इंसान में और भी बहुत सारी बीमारियां हो, और जब आप ये कोशिश कर रहे हैं तो जो आपको चाहिए वो डिजीज के विषाणु मिलने की बजाय कोई और आपको मिल जाए। सो हमने जो जनवरी के जो पहले 3 केसेस जिसको NIV ने डिटेक्ट किया, हमने उसका कंप्लीट जीनोम किया और तुरंत देश को बताया गया कि 3 केसेस केरला में डिटेक्ट हुए हैं जो वुहान से आए थे, हमारे स्टूडेंट थे अपने देश के, और उनके जो सैंपल्स को ले करके हमने बहुत अलग अलग तरीके से उसको आइसोलेशन की प्रक्रिया चालू कर दी। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि वायरस आइसोलेशन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी टीडियस है। कभी कभी तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है वायरस, और कभी कभी हफ्ते और महीने तक कोशिश करने के बावजूद भी उसे हमें मिलता नहीं। दूसरी बात है कि वो वायरस आइसोलेशन का चांस होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको राइट सैंपल मिला, फ्रोजन कंडीशन में सैंपल आना चाहिए और उस पर वायरस की क्वांटिटी हाई होनी चाहिए। अगर वायरस का नंबर बहुत कम होगा और वो सही से स्टोर नहीं किया गया तो आपको पता ही है कि वायरस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही खाली ग्रो कर सकता है, तो वायरस डेड हो जाएगा और हम उसको प्रपोगेट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट जो 3 केसेस डिटेक्ट हुए उनके सारे सैंपल्स को हमने कोशिश बहुत की, 1.5 महीने तक हम लोग लगातार प्रयास करते रहे लेकिन हमको वायरस आइसोलेशन मिल नहीं पाया। उसके बाद मार्च में जब इटली का एक टूरिस्ट ग्रुप आया जो दिल्ली बीमार हो गए, सिम्टम दिखाने लगे, और उनका जब टेस्ट हुआ हमारी VRDL लैब्स में, एम्स में, और साथ में जयपुर SMS मेडिकल कॉलेज में पॉजिटिव पेशेंट आ गए, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया और वो सैंपल हमने पे आया, हमारी टीम ने उसको बीओसेल में डाला और बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते में ही हमें वो साइटोपैथिक इफेक्ट दिखने लगे और हमने वो वायरस को आइसोलेट कर लिया। जैसे ही हमें साइटोपैथिक इफेक्ट दिखने लगे उसको हमने बहुत अलग अलग तरीके से कैरेक्टराइज करने की कोशिश की, जिसमें उसका हमने टाइट्रेशन किया, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में उसके आकार को देखा गया, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की गई, उसके साथ ही नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग प्लेटफॉर्म यूज करके कंप्लीट जीनोम जो उसका वायरस का सीक्वेंस किया गया और वुहान के साथ जो स्ट्रेन थी उसके साथ कंपेयर किया गया और हमें पता चला कि हमें राइट वायरस आइसोलेशन मिल गया है। उस समय हमें काफ़ी सारे सैंपल्स हमको मिल गए थे, कुछ आगरा के भी पॉजिटिव केसेस के सैंपल आ गए थे, जयपुर से आ गए थे, दिल्ली से आ गए थे, तो हमें इनिशियली 7 वायरस आइसोलेट मिल गए थे जो कि जी क्लैट को बिलोंग करते हैं, उस समय की जो जी सेट की क्लासिफिकेशन थी। और जैसे हमें वायरस मिला, ये इस तरह से वायरोलॉजी की फील्ड में आप कह सकते हैं कि आपको एक बड़ा खजाना प्राप्त हो गया और उस खजाने का इस्तेमाल करके आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं। तो हमने उस वायरस को तुरंत बहुत ही लार्ज स्केल पे ग्रो किया और उसको अपने जो ऑलरेडी हमारे स्टैंडर्ड मेथड्स हैं उसके को यूज़ करके अलग अलग रिसर्च प्रोटोकॉल्स बनाना शुरू कर दिया और स्टडी करना शुरू कर दिया। उसमें जो कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती जब भी हमें कोई नया वायरस मिलता है, सबसे पहले कि आप उसको उसके लिए एक PRNT ऐसे हो उसको बोलते हैं प्लाक रिडक्शन न्यूट्रलाइजिंग ऐसे वो डेवलप करते हैं जिससे हम किसी भी ह्यूमन सीरम सैंपल के अगेंस्ट उस वायरस को देख सकते हैं कि वो न्यूट्रलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये जो टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ ये सारे टेस्ट और स्टडीज किसी भी वैक्सीन के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब हम बात करते हैं वैक्सीन डेवलपमेंट करने की, स्पेशली जैसे एक नया डिजीज़ है तो आपको एक पूरा सिस्टम चाहिए, उस सिस्टम में आपकी टेस्टिंग, आपकी न्यूट्रलाइजेशन, आपका एलाइजा, आपका एनिमल मॉडल, इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो सारी चीज़ों को हमें डेवलप करने की ज़रूरत हुई। तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हमने कैसे 0 से स्टार्ट करके 1 by 1 step हम आगे बढ़ते गए। फिर हमने वायरस को डिफरेंट मेथड से इनएक्टिवेट करने की कोशिश की, जिसमें केमिकल मेथड भी इंक्लूड होता है, उसके साथ में गामा इनएक्टिवेशन, हमारे पास एक Cobalt-60 चैम्बर है उसके थ्रू भी। सो अलग अलग स्टडीज़ करके हमने देखा कि वायरस कितने घंटे में इनएक्टिवेट हो सकता है, उसको इवन हमने अलग अलग टेम्परेचर पर भी स्टडी करके देखी कि उसकी मॉर्फोलॉजी कैसे अफेक्ट होती। और उसके बाद जब हमको इनएक्टिवेशन मेथड पता चल गया जो कि हमने पब्लिश भी किया, इम्पॉर्टेंट चीज़ इस बात ये थी कि हमारे
डायरेक्टर जनरल सर ने बोला कि आप जो भी स्टडी करें उसको तुरंत पब्लिश करें, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी को इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में पब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जिससे हमारी जो रिसर्च के जो भी फाइंडिंग्स हैं वो तुरंत के तुरंत आम जनता को अवेलेबल हो जाए, रिसर्चर्स को अवेलेबल हो जाए, और तुरंत इसके उपयोग करके सभी लोग अलग अलग अपने प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा सके। तो मैं आपको जितनी भी बातें बताने वाली हूँ, मैं आपको बताऊंगी कि हमने हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक फाइंडिंग को पब्लिश किया। पहले बहुत सारे तो हमने इंडियन जर्नल मेडिकल रिसर्च में पब्लिश किए, बट उसके बाद फिर हमने बहुत सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में भी पब्लिश किए, और इन सारी स्टडीज को ओपन सभी के सामने रखा, खुला रखा कि ये देखिए हमें ऐसा कर रहे हैं और हमें इस तरह से मिल रहा है, और हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। जब हमें वायरस मिल गया तो हमने एंटीजन बना लिया, और जो सबसे इम्पोर्टेंट उस समय स्ट्रगल चल रहा था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी जो है एक सीरो सर्वे करना चाह रही थी कंट्री में, और उसके लिए वो एक टेस्ट की तलाश में थे कि कोई IgG ELISA या क्विक टेस्ट उनको अवेलेबल हो जाए, जिसको यूज करके वो पता कर सके कि हमारे देश में प्रेवलेंस कितना है। बट उस समय सही टेस्ट मिल नहीं पा रहा था, तो हमें बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हम जल्दी से एक ऐसा इन हाउस टेस्ट डेवलप करें जिसका इस्तेमाल करके सीरो प्रेवलेंस स्टडी हो सके। फिर हमने तुरंत एक IgG ELISA जो ह्यूमन IgG को डिटेक्ट कर सके SARS-CoV-2 वायरस के अगेंस्ट डेवलप किया, और उस टेस्ट को डेवलप करने के बाद इसको हमने NIE की टीम और उनकी जो कोलेबरेटिंग टीम है उनको प्रोवाइड किया, और ये टेक्नोलॉजी को हमने तुरंत जाइडस कैडिला को ट्रांसफ़र कर दिया, और जाइडस कैडिला ने इसको बना करके उनकी टीम को प्रोवाइड कर दिया, और जो सैंपल्स देश के विभिन्न विभिन्न भागों से उन्होंने कलेक्ट किए थे उसको टेस्ट किया गया, और उससे हमें एक अंदाज लगा कि हमारे देश में कितने परसेंट IgG प्रेवलेंस उस समय था। उसके बाद हमने इस टेक्नोलॉजी को 7 कमर्शियल कंपनीज को ट्रांसफ़र कर दिया, और कॉन्टीन्यूसली ये ट्रांसफ़र जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू हुआ, और MOU साइन हुई इन सारी कंपनियों के साथ में, और उसके बाद हमने इन सभी को कॉन्टीन्यूसली, हम अभी भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और मंथली हम उनको एंटीजन प्रोवाइड करते हैं, और उस एंटीजन को यूज़ करके ये लोग ELISA की ELISA बनाते हैं, और देश में और बाकी अलग अलग देशों में इस किट को भेजा जा रहा है, जिसको यूज़ करके वैक्सीन स्टडी, इवन सीरो प्रेवलेंस और पेशेंट के सैंपल्स भी टेस्ट करने का काम लगातार चल रहा है। सो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि, और इस टेस्ट को कोविड कवच ELISA का नाम हमारे डायरेक्टर जनरल सर ने दिया, और इसको काफ़ी यश प्राप्त हुआ, क्योंकि हमने बहुत ही कम समय में 1 महीने के अंदर, वायरस आइसोलेशन हमारा मार्च में हुआ था और अप्रैल में हमारा ये टेस्ट हमारे हाथ में था, जिसमें हमने एक्सटर्नल इंटरनल सारे तरह के वैलिडेशंस किए और इस टेस्ट को लोगों के को अवेलेबल कराया। उसके साथ में ही फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस आने लगे टाइम टू टाइम कि जो ये वायरस आ रहा है अलग अलग पेशेंट के थ्रू अलग अलग कंट्रीज से, उनको हमें मॉनिटर करना चाहिए। हमने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें हमने प्रदेश के भिन्न भिन्न हिस्सों में जो कोविड के केसेस पॉजिटिव आ रहे थे VRDL लैब्स में, उनको मंथली कलेक्शन स्टार्ट किया, और कॉन्टीन्यूसली हम उसको सीक्वेंस करते रहे, जिससे यदि कोई भी जिनों में कोई चेंज होता है तो हमको वो टाइम भी पता चल सके, और हमने उसको उस एनालिसिस को टाइम टू टाइम जब भी ज़रूरत हुई वो लोगों को बताया कि किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह का वायरस हमारी कंट्री में एंटर हो रहा है, और ये डेटा कॉन्टीन्यूसली हम डेवलप करते जा रहे हैं। जब अभी UK वेरिएंट का भी सवाल आया था, NIV ने बहुत ही कम टाइम में हमारे जो नेशनल इंफ्लुएंजा सेंटर ने सीक्वेंस करके बता दिया कि UK स्ट्रेन हमारे देश में है, और हमने तुरंत उन पॉजिटिव जो केस थे UK वेरिएंट के जो केस थे उनका सैंपल लेकर के UK वेरिएंट का भी आइसोलेशन हमारी लेबोरेटरी में कर लिया। इसके अलावा जब हमारे ईरान में जो हिंदुस्तानी लोग थे फंस गए थे, चूँकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के भी इश्यूज हो गए थे, लोगों का ट्रैवल करना मुश्किल था, तो हमारी एक टीम NIV से गई वहाँ पे, उनके सैंपल कलेक्ट किए और उनके सैंपल टेस्ट किए गए, और उनके सैंपल से वायरस भी आइसोलेशन हुआ और उनका जीनोम भी कैरेक्टराइज हुआ। तो ये एक्टिविटी हमारी टीम कॉन्टीन्यूसली जो बाकी NIV की टीम है उनके साथ में मिलकर करती रही, जिससे हमें कॉन्टीन्यूस वायरस के मोमेंट, उसके म्यूटेशंस, उस पर कोई नया वेरिएशंस आ गया वो हमें पता चलता रहे।
उसके अलावा हमने इस वायरस का इस्तेमाल, जो पहला वायरस था उसको हम 770 और प्रोटोटाइप एक स्ट्रेन है जिसको हमने सबसे ज्यादा स्टडी किया, उसको लिया और उसको ले करके हमने सारी अपनी स्टडीज की और उसमें इसमें आप पैथोजेनेसिटी और उसके वेरुलेंस और उसके बाकी जो एक्टिविटीज है वायरस की उसको स्टडी कर सकते। तो हमने डिफरेंट माइस मॉडल्स में, हेमिस्टर मॉडल में इस वायरस को यूज करके स्टडी किया और हेमिस्टर मॉडल में बहुत अच्छा हमें परिणाम मिला, हमने पब्लिश किया इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में और उस हेमिस्टर मॉडल की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली आगे चल करके वैक्सीन स्टडी करने में, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में जानने में, मोनोक्लोनल स्टडी के बारे में जानने के लिए। और उस मॉडल को हमने बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया और अभी भी उसको अलग अलग स्टडी में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद अगला चैलेंज था कि आप अलग अलग तरह के एलाइजा, पहले हमने ह्यूमन के लिए एलाइजा डेवलप किया बट अगर आपको हेमिस्टर में स्टडी करनी तो आपको हेमिस्टर के लिए स्पेसिफिक एलाइजा बनाना पड़ेगा, अगर आपको मंकी में स्टडी करनी है तो मंकी के लिए एलाइजा। तो हमने मंकी के लिए, वाइस के लिए, सभी के लिए स्पेसिफिक एलाइजा टेस्ट डेवलप किए हमारी लैबोरेटरीज में, उनको वैलिडेट किया जिससे हम आगे वैक्सीन की स्टडीज को कर सके। उसके अलावा हमने पीआरएनटी जो डॉक्टर गजानन की लैब है उनकी सहायता से हम लोगों ने पीआरएनटी डेवलप किया और वो पीआरएनटी का टेस्ट डेवलप होने से बहुत तरह के और अलग फायदे हुए, जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट किया आईसीएमआर हेडक्वार्टर के पीआईज और बहुत सारे सेंटर्स ने मिल करके, जिसमें हमने क्लासिक ट्रायल स्टडी किया कंट्री में बड़े लार्ज स्केल पे और इस स्टडी को बीएमजे में पब्लिश किया जो एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल पीयर रिव्यू जर्नल है। और उसमें बताया गया कि अगर आप प्लेसिड जो प्लाज्मा थेरेपी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं कोविड के केस में, और उन सारे सैंपल्स को हमने पीआरएनटी करके एलाइजा करके कंपेयर करके देखा कि उसका इम्पैक्ट कैसा है अगर हम प्लाज्मा थेरेपी करते हैं कोविड पेशेंट में। उसके अलावा जब हमारे पास ये वायरस सारे डायग्नोस्टिक सिस्टम पीआरएनटी एनिमल मॉडल सभी कुछ इस्टेब्लिश हो गया तब ये हमें अंदाज लग गया कि अब हम आगे जा सकते हैं। उसी समय सेम टाइम बहुत सारे लोगों ने एनआईवी को अप्रोच किया कि आप एंटीवायरल करिए ड्रग्स के लिए, रिपर्पज ड्रग्स या जो सिंथेटिक ड्रग्स है या जो बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स है। तो उस समय हमें फिर बहुत ज्यादा जरूरत हुई कि हम इमीडिएटली एक एंटीवायरल का प्रोटोकॉल डेवलप करें, क्योंकि सार्स के लिए कोई नोन SARS-CoV-2 बिकॉज ये नया पैथोजन है इसके लिए कोई एंटीवायरल प्रोटोकॉल नहीं था। हमने बहुत तेजी से काम करके एक एंटीवायरल प्रोटोकॉल डेवलप किया हमारी कंट्री में और बाकी जो हमारे सीनियर हेडक्वार्टर में है उनकी हेल्प से हमने उसके उसके प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करने के बाद उनको कैसे एनालिसिस करनी है, कैसे उसका रिजल्ट प्रिपेयर करना है, वो सारा मेथड हमने बनाया। ऑलमोस्ट 100 कंपाउंड हमने स्क्रीन किए हमारे लैबोरेटरीज में और उनका रिजल्ट टाइमली बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेट किया गया जो लोग फर्दर उस ड्रग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बाद में हमने ये जो जिम्मेदारी है हमारी जो एक सिस्टर लैबोरेटरी है BSL की उनको हैंड ओवर कर दी और वो अब लोग एंटीवायरल स्टडी पे काम कर रहे हैं। और उसके बाद इतने में जो भारत बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड है उन्होंने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को अप्रोच किया कि वो एक वैक्सीन बनाना चाहते हैं और हमसे वायरस चाहते हैं जिसमें हमारे डायरेक्टर ने और हमारे डीजी सर ने उन सभी ने डिस्कशन किया और हमें लगा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये अप्रैल की बात है जब हमने ऐसा किया और 31 अप्रैल को वायरस ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया गया था भारत बायोटेक को। और उसके बाद तुरंत जैसे ही वायरस से ट्रांसफर हुआ भारत बायोटेक की टीम ने इसको इमिडिएटली लार्ज स्केल पर प्रोपोगेट किया, उसको अलग अलग उसके पैसाजेस के सैंपल हमारे साथ में करके शेयर किया, उसको सीक्वेंस किया गया, उसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी की गई, उसको डिफरेंट तरीके के टेस्ट मेथड से देखा गया कि वायरस स्टेबल है कि नहीं, इसमें कोई होस्ट का जो जीन या कोई डिजीज या कोई और कोई पैथोजन तो नहीं है। और बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्टिंग करने के बाद ये पाया गया कि जो हमने स्ट्रेन उनके लिए चूज की थी वो बहुत ही सूटेबल थी जो जी क्लैड को बिलोंग्स करती थी और उस समय ये पर्टिकुलर जो म्यूटेशन वाली स्ट्रेन थी ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट थी वर्ल्ड वाइड। सो उसके बाद इमिडिएटली भारत बायोटेक ने और NIV की टीम ने मिल करके कॉन्टीन्यूसली एफर्ट स्टार्ट किए कि हम वैक्सीन के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए।
तो वैक्सीन बनने के पहले एक सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है प्री क्लिनिकल स्टडी करना, वो दोनों टीम ने मिल करके किया। भारत बायोटेक ने माइस में उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया, उसकी एंटीजेनिसिटी, उसकी सेफ्टी, और साइमल्टेनियस हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टार्ट किए हेमस्टर में, जिसमें हमने प्री क्लिनिकल स्टडी की देखने के लिए कि ये वैक्सीन जो वो बना रहे हैं कि वैक्सीन कैंडिडेट, भारत बायोटेक ने 3 वैक्सीन कैंडिडेट बनाए अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन और एडजुवेंट यूज करके, और उस तीनों को लेकर के हमारी स्टडी स्टार्ट की। साइमल्टेनियस उन्होंने टॉक्सिसिटी स्टडी भी की और पाया गया कि ये तीनों ही प्रोडक्ट काफ़ी सेफ थे और आगे हम बढ़ सकते थे। उन्होंने जो भी सारा डेटा साइमल्टेनियस दोनों टीम ने काम किया, और हमने जो हेमिस्टर में स्टडी किया उसमें हमने डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ हेमिस्टर्स के ले करके उनको ये जो वैक्सीन कैंडिडेट से उनके 3 बार डोजेस दिए गए उनको, 0 डे पे, 28 डेज पे एंड 3rd डोज दी गई, और उसके बाद हमने उसको वायरस, लाइव वायरस के साथ में इन्फेक्ट किया। और सबसे जो खुशी की बात थी, जब हमने इस वायरस से इन हेमिस्टर्स को इन्फेक्ट किया, उनमें जो डिजीज जो हमने जो कंट्रोल ग्रुप था जिसके अंदर हमने वैक्सीन नहीं थी, उनके लंग बहुत ही बुरी तरीके से अफेक्ट हो गए थे, वो बीमार हो गए थे, और उनके जो वायरिमिया थी बहुत हाई था। लेकिन जिन ग्रुप्स में हमने वैक्सीन दिया उनके लंग बहुत ही क्लीन थे, उनमें वायरिमिया बहुत जल्दी क्लियर हो गई उनके बॉडी से, और उनमें उन्होंने बहुत ही अच्छा इम्यूनोजेनिसिटी दिखाया उनके सीरम सैंपल्स में। जब हमने उनके न्यूट्रलाइजेशन असेस किए हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला, और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत की देखने के लिए कि वैक्सीन बहुत ही अच्छा काम कर रही है। इसके बाद DCGI ने, हमारे देश के रेगुलेटरी अथॉरिटी ने, एक रिलीज किया न्यूज़ की किसी को भी जिसको वैक्सीन की स्टडी करनी है उसके लिए नॉन ह्यूमन प्राइमेट स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके साथ में जो बाकी देशों में जो वैक्सीन बनाने का काम चल रहा था, चडॉक्स वैक्सीन का, मॉडर्ना वैक्सीन का, उन्होंने अपनी स्टडी में रिसेस मकॉक्स और यूज़ करके दिखाया कि उनका प्रोटेक्शन अच्छा हो रहा है कुछ स्टडीज़ में। तो ये हमारे लिए कंपल्सरी हो गया था कि हम भी इस तरह की स्टडी करें जिससे हम इंटरनेशनल लेवल पर दिखा सकें कि हमारी वैक्सीन उतना ही अच्छा काम कर रही है। हमने DCCF से और उन सारे अप्रूवल्स और IBSC, IAC कमेटी एंड आफ्टर गेटिंग जो सारे अप्रूवल जब हमें मिल गए उसके बाद हमने मंकी पे स्टडी स्टार्ट किया, और ये तीनों वैक्सीन कैंडिडेट और कंट्रोल ग्रुप लेकर के हमने वैक्सीन की स्टडी की। और उसमें जब हमने 0 डे पे और 14 डेज पे जब मंकीज को हमने दे दिया, इनाइज कर दिया, उसके बाद बहुत अच्छा एंटीबॉडी टाइटर हमें देखने को मिला, और 35 डेज पे हमने जब इनको वायरस के साथ इन्फेक्ट किया इन मंकीज को, तो हमें बहुत ही अच्छा प्रोटेक्शन देखने को मिला। जो जिनमें खाली वायरस दिया गया था और वैक्सीन नहीं दिया गया था, उनके लंग बहुत ही बुरी तरीके से वायरस से लोडेड थे, उनके डिफरेंट जो ऑर्गन्स थे उनमें भी वायरस की पाया गया, और साथ में जब हमने उसकी पैथोलॉजी स्टडी किया, हिस्टोपैथोलॉजी किया सेक्शंस करके उनके टिश्यूज के, तो उन वहाँ पे भी बहुत सारा वायरस का प्रेजेंस पाया गया, और वो डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं लंग्स में वो पाए गए। लेकिन जो हमारी वैक्सीनेटेड ग्रुप थे उनमें वायरस प्रेजेंट नहीं था, वायरस कम्प्लीटली क्लियर हो गया था, जिससे ये बहुत ही बड़ा हमें कॉन्फिडेंस मिला कि जिन लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा जब कभी भी वो एनकाउंटर करेंगे इससे वायरस से, वो बहुत सेफ रहेंगे और उनको डिजीज नहीं होगी। तो ये जो सारी स्टडीज हमने एक के बाद एक की, उनसे हमारे इस वैक्सीन प्रोग्राम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, और हमारी जो कॉन्फिडेंस थी कि हमारी वैक्सीन काम करेगी इंडिजिनस, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैम, जो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने जो कुछ भी बताया वैक्सीन के बारे में, उसके सेफ्टी प्रोटोकॉल सब कुछ बताया, लेकिन उसके बावजूद भी आपको जैसे पता ही होगा कि खबरों में बहुत चर्चा है कि भाई हमारा वैक्सीन सेफ है कि नहीं, क्योंकि परदेशों के वैक्सीन जो डेवलप हुए उसमें बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट हुए हैं, जैसे किसी में HIV स्ट्रेन पाया गया जहाँ पे बंद हो गया ट्रायल,
कहीं पे कुछ और बीमारियों का स्ट्रेन पाया गया और उधर भी ट्रायल बंद हो गए हैं, वैक्सीनेशन भी बंद हो गई है। और हमारे वैक्सीन में कहा जाता है कि ट्रायल के लिए, ह्यूमन ट्रायल के लिए फिगर एडिक्वेट नहीं है और समय भी ज़्यादा वक्त नहीं बिताया गया रिजल्ट आने के लिए, और हमने एक जल्दीबाजी में निकाला है। तो ये सब जो आवाज़ें उठ रही हैं, इल्ज़ाम हो रही हैं, इनको आप कैसे काउंटर करेंगे? इसके बावजूद कि आपका स्टडी इंटरनेशनली रेप्यूटेड जर्नल लैंसेट में भी पब्लिश हुआ है, जिसमें ये कहा गया है कि आपका ये सेफ है वैक्सीन, उसके बावजूद जो सवाल उठ रहे हैं, इसको आप कैसे आप देखते हैं और कैसे जवाब देंगे? आपका जो जो आपकी बात है वो सही है, क्योंकि इस समय पैंडमिक के टाइम पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशानी में हैं और सभी के मन में लोग बहुत सारी चीजों को पढ़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत साइंटिफिक स्टडीज को। बट अगर आप कंपेयर करें जो हमारी इंडिजिनस वैक्सीन है वो किसी उसके जो रिजल्ट्स है वो किसी भी स्टडी से कहीं भी कम नहीं है। दूसरी बात है कि जो सवाल एफिकेसी का है उसका तो आपको पता ही कि फेज 3 ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, सेकेंड डोज भी दे दी गई है और आई थिंक 2 महीने के अंदर हमें वो सारे सवालों के भी आंसर मिल जाएंगे। लेकिन जो गवर्नमेंट ने इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया है जो DCGI ने, उसके लिए फेज 3 ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ये रूटीन सिचुएशन नहीं, ये पैंडमिक है जहाँ पे हम टाइम के साथ रेस कर रहे हैं और एक एक दिन जो हम लूज करेंगे उसमें हम कितनी सारी लाइफ्स भी सैक्रिफाइस होती जाएंगी। तो सारे रूल और जो नियम है वो सभी देशों में जैसा फॉलो किया गया है वैसा ही हमारे देश में फॉलो हुआ है और बहुत सारे कंट्रीज में सेकेंड फेज का डेटा आने के बाद उनको इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया गया है, उसी तरह से हमारे देश में दिया गया है। जो हमारी अभी रिसेंट स्टडी फेज 1 की आई है, डबल ब्लाइंडेड मल्टी सेंट्रिक रेंडमाइज कंट्रोल लैंसेट इंफेक्शन डिजीज, उसकी एक कमेंट्री भी लैंसेट इंफेक्शन डिजीज में आई है जिसमें उन्होंने बहुत तारीफ की है कि कितने अच्छे से ये वैक्सीन काम कर रही है और इसकी सेफ्टी का जो प्रोफाइल है, अगर हम कंपेयर करें जो भी इस समय वैक्सीन मार्केट में या जो भी मास इम्यूनाइजेशन में डिफरेंट देशों में चल रही है उनके कंपेयर में इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल है बहुत अच्छी है, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत कम है और ये जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है जो हमने बनाई है भारत बायोटेक के साथ, इसका बहुत ही टाइम टेस्टेड 150 ईयर्स का रिकॉर्ड है। और जो अभी हम हमारे बच्चों को वैक्सीन देते हैं जैसे पोलियो का भी वैक्सीन देते हैं या इस तरह के और भी मीजल्स के वैक्सीन है, ये सारे वैक्सीन इनएक्टिवेटेड किल वैक्सीन है और उनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है। तो यहाँ पे कोई भी शंका की बात नहीं है। दूसरी बात है कि जो हमारी हेमिस्टर स्टडी है वो अपने आप में पहली स्टडी है जिसमें उन्होंने वैक्सीन को हेमिस्टर में किया और वो डेटा भी सेल में, जो एक बहुत ही अच्छा इंटरनेशनल जर्नल है उसकी बहुत रेपुटेशन है, उसमें पब्लिश हुआ है। उसके अलावा जो हमारी नॉन ह्यूमन प्राइमेट मंकी की स्टडी है जिसमें हमने इम्यूनोजेनिसिटी और सेफ्टी देखी है, उसको भी नेचर ने एक्सेप्ट किया है। सो हमारे पास हर एक स्टेप पे जो भी हमने स्टडीज किए हैं उसके साइंटिफिक एविडेंस है, हमने कोई भी चीज जल्दीबाजी में नहीं किया है, लेकिन हमें ये समझना है कि हम एक दौड़ लगा रहे हैं, एक बीमारी और एक स्वस्थ होने की चाहत की जो दौड़ है, जो जो डिजीज फैल गई है इतना उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत तेजी से हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारा जो जनजीवन वो सामान्य हो जाए, और उसके लिए जो भी एफर्ट करने पड़े या जो प्रयास करने पड़े उसमें कोई भी पीछे नहीं हटा है। पहला केस जब से डिटेक्ट हुआ तब से ना ना तो डायग्नोसिस या वैक्सीन या किसी भी चीज की बात अगर हम करें, इवन जो हमारे पीपी का जो इश्यू था, हमारे पास मास्क नहीं थे, हमारे पास एनफ पीपी नहीं थे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, सभी अलग अलग जो मुहिम थी उसको प्रयास किया गया कि हम हर एक फोरम में जा करके एक इम्पैक्ट कर सके और कंट्री को सेल्फ सफिशियंट बना सके, क्योंकि हमें सबको पता था कि जब पैंडमिक स्टार्ट हुआ किसी भी कंट्री के पास कुछ भी नहीं था, ना ड्रग्स थी, ना हमारे पास पीपीई थे, ना हमारे पास वैक्सीन थी और ना हमें इस वायरस और डिजीज के बारे में कोई जानकारी थी। बट फिर भी हमारे देश के जो सभी लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स में, गवर्नमेंट के अलग अलग सेक्टर्स में, रिसर्चर्स ने, साइंटिस्ट ने, टेक्निकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेस ने,
जो जैसा जितना कर सकते थे सभी ने अपने एक्सट्रीम उसमें जा करके अपने अपने कोशिशें करके हम आज यहाँ पे पहुंचे, जब हमारे पास आज केसेस भी बहुत कम है और हम इतने सेल्फ सफिशिएंट है कि हमारे देश में एक नहीं दो दो वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रही है, हम अपने लोगों को सफिशिएंट नंबर में दे सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो भी हमारा मास इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चल रहा है, आप देखिए कि हमने कितनी तेजी से इतने सारे लोगों को इम्यूनाइज कर लिया जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और ये कोई आज नहीं बना ये सिस्टम, पोलियो प्रोग्राम का सिस्टम सालों से हमारे देश में रहा, वो हेल्थ केयर वर्कर रहे हैं जिन्होंने सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने में सहायता की। मैम अभी हम ये एक नए म्यूटेटेड वायरस की बात कर रहे हैं जो कि यूके से निकला है, जापान से भी रिपोर्ट हुआ है, तो हमारे देश में भी ये यूके से आए हुए ट्रैवलर्स से हमने ये डिटेक्ट किया है ये वायरस, तो क्या हमारे देश में अंदरूनी ये वायरस जो है वो म्यूटेटेड वर्जन आपको दिखा है? और जब वैक्सीनेशन की हम बात कर रहे हैं तो वैक्सीन में अभी तब्दीली लगेगी कि या ये वैक्सीन जो अभी चल रही है, जो ड्राइव चल रही है, वो सक्षम है म्यूटेटेड वायरस को भी टैकल कर सके, या हमको एक नए तरीके से वापस खोज की शुरुआत करनी पड़ेगी वैक्सीन में जाके वो नए प्रकृति की जो म्यूटेटेड वायरसेस हैं उनको डील कर सके? तो शाश्वत जी, जब भी यूके ने अभी डिक्लेयर किया लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में कि वहाँ पे एक नया वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है जो बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शियस है और उनके यहाँ केसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गए, इवन उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उनके यहाँ डेथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और उसके थोड़े समय के बाद ही साउथ अफ्रीका में भी एक नए वेरियंट की घोषणा हुई, इवन अभी तो ब्राज़ील ने भी डिक्लेयर किया कि उनके पास भी एक नया वेरियंट है। तो चूंकि ये वायरस निगेटिव स्ट्रैंड वायरस है और जो भी निगेटिव स्ट्रैंड वायरसेस होते हैं उनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो म्यूटेशंस होते रहते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का वायरस आपने सुना होगा कि उसमें तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं और उसमें एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट होते रहते हैं, बट जो SARS-CoV-2 वायरस है उसमें इस तरह के चीज़ें अभी तक तो नहीं रिपोर्ट की गई हैं, बट चूँकि ये वायरस एक होस्ट से दूसरे होस्ट पे लगातार सर्कुलेट हो रहा है तो उस पे म्यूटेशन होते रहेंगे। और जो जो सबसे ज़्यादा चिंता का सब्जेक्ट यहाँ पे वो वैक्सीन्स बन गई जिन्होंने स्पाइक प्रोटीन को यूज़ करके या स्पाइक जीन बेस्ड जो वैक्सीन थी उनमें अगर म्यूटेशन हो जाएगा तो फिर वो इम्यूनोजेनिसिटी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इसका बहुत ही ज़्यादा सवाल उठाया गया। जो जो हमारी कोवैक्सीन है वो चूँकि वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और पूरे वायरस को यूज़ करके बनाई गई है तो थोड़े बहुत म्यूटेशन से इस वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चूँकि ये क्वेश्चन काफ़ी बार उठाया गया तो हम लोगों ने तुरंत जैसे ही हमारे यहाँ यूके वेरिएंट के इंट्रोडक्शन होने का संभावना हुआ कंट्री में, तुरंत ही ऐसे जो सैंपल थे जो यूके रिटर्निस थे उनके सैंपल को लेकर के टिश्यू कल्चर में हमने वायरस आइसोलेशन चालू कर दिया और हमें ये वायरस मिल भी गया जिसमें सारे उसके सिग्नेचर 17 म्यूटेशंस हमने रिकॉर्ड किए, उसको कंप्लीट जीनोम सीक्वेंस करके कंफर्म किया। और उसके बाद हमने जो फेज 2 ट्रायल स्टडी हुई है कोवैक्सीन की उनके वैक्सीनीज के सीरम सैंपल लिए और उनके साथ में हमने न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट लगाया। ये टेस्ट खाली हमने यूके वेरियंट के साथ ही नहीं लगाया बल लेकिन जिस स्ट्रेन से हमने इस वैक्सीन को डेवलप किया 770 और साथ में हमने एक और स्ट्रेन यूज किया जो हमने ईरान के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ में भी किया। ये तीन अलग अलग स्ट्रेन को लेकर के हमने फेज 2 ट्रायल के जो वैक्सीन के सीरम सैंपल्स थे 56 डेज के बाद उनको टेस्ट किया और हमने ये देखा कि यूके वेरियंट का कोई भी प्रभाव हमारे वैक्सीन के सैंपल्स पे नहीं पड़ रहा है और जो एमटी का डेटा था उसमें कोई भी डिफरेंस हमको दिखाई नहीं पड़ा। ये डेटा भी अभी बायोरिक्स पे अवेलेबल है जो आप देख सकते हैं, इस स्टडी का सारा डिटेल दिया हुआ है कि कोवैक्सीन जो है इस म्यूटेशन की वजह से अफेक्ट नहीं होगी, जिन लोगों को ये वैक्सीन दिया जाएगा वो उसी तरीके से प्रोटेक्टेड होंगे जो बाकी स्टेट के साथ भी होगा।
आई थिंक हमें बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और वैक्सीन काम करेगी, इस तरह की इस तरह का हमारा पूरा भरोसा है। धन्यवाद मैम, आपने इतना वक्त बिताया हमारे साथ, आपने इस बीमारी एवं इसके इलाज के बारे में और इसके वैक्सीन के बारे में इतने सारी बातें आपने बताई। हमें आशा है कि ये वैक्सीन के अवेलेबिलिटी के द्वारा हमारी ना सिर्फ लोग सुरक्षित महसूस करेंगे बल्कि हमारी जो इकोनॉमी है वो भी वापस फुल फ्लेज्ड चल पड़ेगी और हम वापस एक खुशहाल जिंदगी की तरफ आगे बढ़ेंगे। बीमारियों के साथ तो हमारा लड़ाई चलता ही रहता है क्योंकि हर मानव जाति जब भी एक नया कोई बीमारी का इलाज खोज निकालती है तो एक दूसरा नया चेक्स एंड बैलेंस मेंटेन करने के लिए नया बीमारी आ जाता है, लेकिन हमारी लड़ाई चालू रहती है बीमारियों के खिलाफ। तो हमें आशा है कि आप ऐसे ही, हमें ना सिर्फ आशा है बल्कि यकीन है कि आप ऐसे ही, आप जैसे जो वैज्ञानिक हैं हमारे देश में जो इतना कुछ सैक्रिफाइस करके हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए इतना कुछ आप कर रही हैं, तो ये कहना मेरे ख्याल से उचित रहेगा कि आप लोग बिना वर्दी के सोल्जर्स हैं, बिना वर्दी के फौजी हैं जो हमारे, जो देश के बाहर हमारे फौजी हमारी रक्षा कर रहे हैं और आप हमको अंदरूनी हमारे शारीरिक रक्षा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने का, हमारे तरफ से आप लोगों को बहुत सारे ना सिर्फ धन्यवाद बल्कि हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही आगे और बढ़िया काम करते रहें और हम आप जैसे महान वैज्ञानिकों के लिए हम ऐसे ही गर्वित महसूस करते रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं कि आपका वर्ष आगे मंगलमय हो। सरस्वती जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस मंच पे जो हमारे लीडरशिप है प्रोफेसर बलराम भार्गव सर, हमारी जो डायरेक्टर है डॉक्टर प्रिया अब्राहम और मेरे कुलीग्स डॉक्टर गजानंद सक्काल एंड मेरे साथ जो बाकी साइंटिस्ट और टेक्निकल स्टाफ जिन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया कि हम लोग ये दिन देख सके और हमारे देश को एक गर्व महसूस हो सके और हम लोगों की जान बचा सके, उसके लिए जो कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स लॉकडाउन के समय और उसके बाद भी जो करते रहे लगातार अथक प्रयास, मैं उन सभी को मेरी तरफ से इस मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि हम इसी तरीके से इस देश की सेवा करते रहेंगे और हम अपने प्रयासों से मानवता के लिए नए नए और वैक्सीन बनाएंगे जिससे कि हमारे देश में जो भी इस तरह की बीमारियां हैं हम उनको कम से कम करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।